आज के वीडियो में हम बात करेंगे 0 से 6 महीने के बच्चे की ग्रोथ के बारे में और उसके वजन को कैसे बढ़ाएं ये भी जानेंगे। तो जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के 2 से 3 दिन के बाद, यानी कि जो बर्थ टाइम के 2 से 3 दिन के बाद बच्चे का जो वजन होता है वो 10% तक कम होता है। सपोज अगर किसी बच्चे का बर्थ टाइम जो वेट है वो 3 kg है तो वो 2 से 3 दिन में कम हो जाता है, यानी 2.7 kg अप्रॉक्स हो सकता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि बच्चे के जन्म के बाद वजन थोड़ा कम होता ही है, लेकिन इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि 10 से 15 दिनों में ये जो वजन होता है ये रिकवर हो जाता है। तो बच्चे का जो बर्थ के समय जो वेट होता है 6 महीने पर ये वेट 2 गुना हो जाना चाहिए। जैसे कि अगर कोई बच्चा 3 किलो का हुआ है या 3 kg का हुआ है तो उसको 6 महीने में डबल यानी कि 6 kg तक का हो जाना चाहिए, तभी हम मान सकते हैं कि बच्चे का जो ग्रोथ है, जो उसका डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से हो रहा है। तो बच्चे का जो वजन है वो कई बातों पे डिपेंड कर सकता है। कोई बच्चा प्रीमैच्योर होता है तो उसका वजन भी डिफरेंट हो सकता है, उसका वेट जो है वो डिफरेंट हो सकता है। या अगर किसी बच्चे के जो पेरेंट्स हैं यानी कि जो उसके मदर फादर हैं वो दोनों स्लिम हैं तो भी बच्चे का वेट जो होता है वो डिफरेंट हो सकता है। तो बच्चे का वेट अगर कम है तो वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीड से ही बढ़ा सकते हैं क्योंकि माँ के दूध में वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे बच्चे का वजन बढ़ने में हेल्प हो सकती है। और जैसे आप सभी जानते होंगे कि माँ के दूध में जितनी भी एंटीबॉडीज होती हैं वो बच्चे को बीमारियों से बचाती हैं और साथ में जो उसकी इम्यूनिटी होती है उसको भी बढ़ाती हैं। तो अगर बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा, उसकी हेल्थ अच्छी होगी तो ऑब्वियसली उसका वजन भी बढ़ेगा। तो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड ही कराना चाहिए। तो आप जितना बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएंगी उतना बच्चे का वजन अपने आप ही बढ़ेगा। अब कुछ मदर्स क्या करते हैं कि मतलब प्रेगनेंसी में उनका वेट बढ़ जाता है तो वो आफ्टर डिलीवरी वजन को कम करने की वजह से खाने में कमी करने लगती हैं या कम खाना खाने लगती हैं जिससे उनका वेट लॉस हो। देखिए, आप के खाने पे जो है वो आपका बच्चा डिपेंड करता है, यानी आप अगर अच्छा खाना लोगे, प्रॉपर पानी पियोगे, अच्छी डाइट लोगे तो वो सारे न्यूट्रिशन आप बच्चे को दे पाओगे। तो इस समय आप ज़्यादा वेट लॉस को मत करिए और अच्छा खाना लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए जिससे बच्चे का प्रॉपर सारा ग्रोथ हो, क्योंकि आप जितने न्यूट्रिएंट्स लेंगी वो आपके मिल्क के जरिए बच्चे पे पहुंचेगा। तो ज़रूरी है कि आप सारा ऐसे खाने खाइए जिसमें सारे न्यूट्रिशन हो, सारे पोषक तत्व हो जिससे कि बच्चे की अच्छी ग्रोथ हो सके। अब कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं वो कम दूध पीते हैं या कम डिमांड करते हैं, तो आप उनको ज़बरदस्ती मत कराइए, बल्कि जो ब्रेस्ट मिल्क की जो फ्रिक्वेंसी है उसको बढ़ा दीजिए। मतलब एक साथ ज़्यादा दूध ना पिलाकर जितना बच्चा मांग रहे उतना दीजिए और उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा दीजिए। तो आपको बच्चे को ज़बरदस्ती दूध ना पिलाकर आपको उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ानी है। 6 महीने तक के जो बच्चे होते हैं वो एक दिन में 10 से 12 बार दूध पीते हैं। किसी बच्चे पे ये अलग भी हो सकता है क्योंकि बच्चे जो बच्चे डिपेंड करता है, तो आप उसको बार बार दूध पिलाइए। अगर वो एक साथ नहीं पी रहा है तो आप उसको ज़बरदस्ती मत करिए। कभी कभी कुछ माएँ होती हैं बच्चा सो रहा है बहुत देर तक तब भी नहीं पिलाती हैं, तो आपको उसको जगा कर पिलाना है, लेकिन दूध आपको थोड़े थोड़े देर में देते रहना है। अगर आपका बच्चा अच्छे से मिल्क पी रहा है, ब्रेस्ट फीड ले रहा है, लेकिन तब भी उसका वेट नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आपके खाने में कुछ न्यूट्रिशन की कमी है। तो आप अपनी डाइट को अच्छा करिए, और अगर उसके बाद भी बच्चे का वेट नहीं बढ़ता है तो आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करिए। हो सकता है उसके बाद भी डॉक्टर फॉर्मूला मिल्क आपको देने के लिए कहे, लेकिन कोशिश करिए कि जितना आप ब्रेस्ट मिल्क दे सकती हैं उतना आप बच्चे को दीजिए। तो अब जानते हैं कुछ ऐसे साइंस के बारे में, ऐसे सिम्टम्स के बारे में जिसको अगर आपको लगता है तो आपको तुरंत डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। बच्चा दूध पी के भी बहुत इरिटेबल हो रहा है, बहुत रोता रहता है, बहुत क्रैंकी रहता है, मतलब पेट भरने के बाद भी वो अगर रोता रहता है, बहुत क्रैंकी हो रहा है, तो आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। दूसरा, अगर आप अच्छे से उसको दूध पिला रहे हो तब भी उसका वजन नहीं बढ़ रहा है, मतलब आपको 6 महीने तक ज़्यादा उसका वजन नहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो भी आप अपने डॉक्टर को एक बार कंसल्ट जरूर करिए। तीसरा है कि बच्चे का दिन में टॉयलेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा एक दिन में 6 से 8 बार टॉयलेट नहीं कर रहा है तो भी आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिए, क्योंकि बच्चे को टॉयलेट करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा 6 से 8 बार दिन में टॉयलेट नहीं कर रहा है तो भी आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर करिए। तो ये सारे पॉइंट्स थे कि 6 महीने तक बच्चे का हम वजन कैसे बढ़ा सकते हैं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसे पॉइंट है जो आपने अपने बच्चे के साथ किया हो तो प्लीज़ यहाँ पे शेयर ज़रूर करिए, कम्युनिटी की हेल्प करिए। और आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो